सो दोस्तों आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, साथ में फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। सो दोस्तों आज के इस क्लास में देखेंगे क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। सो दोस्तों आप लोग भी अच्छी तरह से तैयारी करके अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, इसे लास्ट तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू, आप देख रहे हैं जो किशन भाई गुप्ता जोड़ो। चैनल पे ना हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबाए के लाओ, कली टाइलेटिस वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। सो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दे, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है, तो एक लाइक जरूर कर दे। साथ इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दे, ताकि और भी छात्र छात्राएं जो इसको भी तैयारी करके अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। सो दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, वीडियो के नीचे लिंक है या चैनल पहले लिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, वहां से देखिए सही प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हिंदी 100 मार्क्स की जितने प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सही प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से याद कर ले। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हिंदी 100 मार्क्स के जो भी प्रश्न है, प्रश्न का आंसर पहले से पता है, प्रश्न पहले से याद है, तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में हर एक प्रश्न का आंसर कॉमेंट करना है, ताकि आप सभी को भी पता चल सके कि आपका जो तैयारी वो कैसा है। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को शुरू करते हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहे और सही प्रश्न को प्रॉपर अच्छी तरह से याद कर ले। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक बने रहे और सही प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले, ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। तो आपकी स्क्रीन पे आपका पहला सवाल है, आपका प्रथम सवाल है, कह रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। सो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन ए है, बातचीत की शैली। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। तो इसका जो सेंस ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिखती, दोनों प्रश्न है, गद्य का विकास किस काल में हुआ। सो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है गद्य का विकास किस काल में हुआ। नीचे यहाँ पे चार ऑप्शन दिया, इसी तरह आपको बोर्ड परीक्षा में चार ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो भी ऑप्शन सही रहेगा उसे OMR शीट में गोला करना रहेगा। इसका राइट आंसर की हम बात कर ली, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, आधुनिक काल। तो गद्य का विकास किस काल में हुआ है, तो आधुनिक काल में विकास हुआ है। दो का जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे इसलिए तीनों प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। सो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन बी है, सीतापदेरा में हुआ था। तो दोस्तों तीन का जो सेंस ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिखती, चारों प्रश्न कह रहा है कि दिनकर किस युग के कवि हैं। सो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है दिनकर किस युग के कवि हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन ए है, चायोत्तर युग के कवि हैं। तो दोस्तों चार का जो सेंस ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिखते, जो पांचवा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े हैं। सो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन ए है, डॉक्टर। यस, तो मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े हैं, तो डॉक्टरी करते हैं, यानी कि डॉक्टर जो एक डॉक्टर है मालती के पति, मालती के जो पति है उनका नाम है महेश्वर, ठीक है। और आपसे एग्जाम में ऐसा प्रश्न अगर पूछता है कि मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े हैं, तो डॉक्टर, यानी कि डॉक्टरी करते हैं। तो पांच का जो सेंस ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आप देखते हैं, जो छठा प्रश्न कह रहा है कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया। सो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया। आप सभी को आंसर पता है, तो आंसर जरूर कमेंट करेगा, इससे क्या होगा अभ्यास होगा और आप लोग एग्जाम में अच्छी तरह से बना के आ सकेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन डी है, नौजवान भारत सभा का गठन किया। तो छह का जो सही आंसर है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सो अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दे, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके, वो भी तैयारी करके अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे तो आपके सामने आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके और वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न यहाँ पे दिखती है, जो सातवां प्रश्न कराए कि
ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ओ सदा नीरा के लेखक कौन है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन बी है, जगदीश चंद माथुर है। तो सभी प्रश्न को प्रॉपर याद कर ले, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक नंबर का होता है। और आप सभी को पता ही होगा कि अगर आप 50 बना के आते हैं तो 50 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएगा। बच गया यहाँ पे सब्जेक्टिव, वहाँ पे लिखा रहता है कि परीक्षार्थी अपने शब्द में उत्तर दे, तो आप उससे रिलेटेड लिख के आते हैं तो आपको अच्छे अंक मिल जाएगा। स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं कि हम जो लिखेंगे कहीं गलती ना हो जाए। तो आपको बता दें कि आप ये मत सोचिए, आप जो लिखिएगा आप सही लिख के आएगा, ठीक है। ये मत सोचिए कि हम गलती कहीं ना लिख देंगे, कहीं ये नहीं हुआ, मतलब तरह तरह के उनके मन में प्रश्न उठता है। तो आपको दिमाग शांत करके अच्छी तरह से लिख के आना है ताकि आपको अच्छे अंक मिल सके। और आपका जो टीचर है आप उसे एक दोस्त की तरह मानिए और अच्छी तरह से जो भी प्रश्न में डाउट है उसे पूछिए, ठीक है। टीचर को हमेशा दोस्त की तरह मानेगा तो आप हर बात शेयर कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते, जो आठवां प्रश्न कह रहा है कि नावर सिंह किस त्रैमासिक पत्रिका के संपादक रहे हैं। सो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है नावर सिंह किस त्रैमासिक पत्रिका के संपादक रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन ए है, आलोचना जो कि पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो आठ का जो सेंस ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो नौवां प्रश्न कह रहा है कि त्रिज किसका पर्याय बनकर उभरा है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे ए है, आतंक का में जो कि पर्याय बनकर उभरा है। नौ का जो सेंस ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते, जो दसवां प्रश्न है, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। सो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है, या इसका लेखक कौन है, या इसका रचनाकार कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, यहाँ पे जय कृष्ण मूर्ति। 10 का जो सही आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, दो बार आपको प्रश्न पढ़ना है, दो बार आपको ऑप्शन पढ़ना है, उसके बाद ही सही गलत का डिसीजन लेना है, ठीक है। तभी जाके आप लोग अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि गलती कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सोच समझ के अच्छी तरह से बना के आना है। सब्जेक्ट में भी आप अच्छी तरह से लिख के आएगा आपको अच्छे अंक मिलेगा। जरूरी नहीं कि आप किताबी भाषा लिखे, आप अपने शब्द में उत्तर दीजिए जो आपको समझ में आता है, ठीक है, अपने भाषा में लिख के आए। और ये कभी मत सोचे जो हम लिखेंगे वह गलती है, ठीक है, आप जो लिखेगा वह सही है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपसे कोई टीचर है जो कि पूछ देगा कोई सवाल, तो आप सोचते हैं कि हम जो बताएंगे कहीं गलती हो ना हो जाए, तो आप पहले तो ये भ्रम है जो आप निकाल दीजिए दिमाग से, ठीक है, उसे निकाल फेंकिए और अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। आपके पास काफ़ी कम समय बच चुका है, ऐसे में अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 11वां प्रश्न कह रहा है कि जायसी के काव्य की भाषा कौन सी थी। सो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है जायसी के काव्य की भाषा कौन सी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन डी है, अवधि। तो दोस्तों 11 का जो सेंस ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 12वां प्रश्न है, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन सी है, वल्लभ भाई चारे थे। तो दोस्तों 12 का जो सेंस ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते, जो 13वां प्रश्न कह रहा है कि तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है। यहाँ तो कह रहा है कि तुलसीदास के दोनों पद में किस रस की व्यंजना हुई है। इसका जो करेक्ट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन ए है, भक्ति रस की व्यंजना हुई है। तो 13 का जो सेंस ऑप्शन ए है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न जो कि हम खुद से टाइप किए, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते, 14वां प्रश्न कह रहा है कि छपाई कितनी पंक्तियों का छंद होता है। सो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है छपाई कितनी पंक्तियों का छंद होता है या छंद होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे सी इसका, राइट आंसर है 6। यहाँ से 14 का जो सही आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 15वां प्रश्न कराए कि तुमूल कोलाहल कलह में किसकी रचना है। यस, तो तुमूल कोलाहल कलह में किसकी रचना है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन बी है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। 15 का जो सेंस ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते, जो 16वां प्रश्न कराए कि कवित्री स्वयं को असहाय क्यों कहती है। कवित्री स्वयं को असहाय क्यों कहती है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन सी है,
पुत्र वियोग के कारण, या तो कवित्री स्वयं को असहाय क्यों कहती है, तो पुत्र वियोग के कारण कहती है, आपको याद रखना है। तो 16 का जो सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते जो 17 प्रश्न कराई की उषा का जादू निम्नलिखित में से कब टूटने लगता है। सो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है उषा का जादू निम्नलिखित में से कब टूटने लगता है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है। सबसे पहले आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर कमेंट करेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे ए है, सूर्योदय होने पर, या तो उषा का जादू कब टूटने लगता है, तो सूर्योदय होने पर टूटने लगता है। 17 का जो सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते जो 18 प्रश्न है, अधिनायक कौन है, अधिनायक कौन है, इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन ए है, सत्ताधारी वर्ग है। तो दोस्तों 18 का जो सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते जो 19वां प्रश्न कराई की प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है, इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन ए है, वार्तालाप शैली में लिखी गई है। 19 का जो सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते जो 20वां प्रश्न कराई की गांव में अब किसकी धुने सुनाई नहीं पड़ती है। सो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है गांव में अब किसकी धुने सुनाई नहीं पड़ती है, इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन ए है, लोकगीत की जो धुने है वह सुनाई नहीं पड़ती है। इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए है। एग्जाम में आपको दो बार प्रश्न को अब अवश्य पढ़ना है, ठीक है। इससे क्या हुआ कि मान लीजिए आप एक बार में प्रश्न नहीं समझे, एक बार में ऑप्शन नहीं समझे, तो फिर से पढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं कि इसमें प्रश्न कराए कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है धर्मात्मा का संधि विच्छेद है, इसका जो करेक्ट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन ए है, धर्म प्लस आत्मा, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट जो कि आंसर है, उत्तर है। सो आप लोग अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी वीडियो देखते हैं, जो भी आप बुक पढ़ते हैं, जो भी आप प्रश्न पढ़ते हैं, उससे 5 से 6 दिन के बाद एक बार फिर से देख लेना है, यानी कि रिपीट कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। इससे क्या हुआ कि आपको हर एक प्रश्न अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखते जो 22वां प्रश्न कराए कि न्यायाधीश का संधि विच्छेद है, न्यायाधीश का संधि विच्छेद है, इसका जो करेक्ट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन ए है, न्याय प्लस अधीश। तो दोस्तों 22 का जो सही आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते जो 23वां प्रश्न कराए कि पंचांग का संधि विच्छेद है, पंचांग का संधि विच्छेद है, तो दोस्तों आपको इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन से पंच प्लस अन, या तो पंचांग का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा पंच प्लस अन, ठीक है। आपको याद रखना है कि पंचांग का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा पंच प्लस अन। 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 24वां प्रश्न करी शुभ आरंभ का संधि विच्छेद है, शुभ आरंभ का संधि विच्छेद है, यानी कह रहा है कि शुभ आरंभ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन डी है, शुभ प्लस आरंभ, या शुभारंभ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो शुभ प्लस आरंभ हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए कि शुभारंभ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो शुभ प्लस आरंभ हो जाएगा। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिखती 25वां प्रश्न है, नमस्कार का संधि विच्छेद है, नमस्कार का संधि विच्छेद है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, नमः प्लस कार। तो दोस्तों 25 का जो सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिखती जो 26वां प्रश्न है, बजट में कौन सा उपसर्ग, बजट में कौन सा उपसर्ग, इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, बे, या तो बजट में कौन सा उपसर्ग, तो वे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे 27वां प्रश्न है, गैर हाजिरी में कौन सा उपसर्ग, इसका जो करेक्ट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन ए है, गैर, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे जो 28वां प्रश्न कराए कि उथल्लू में कौन सा पर्द है, इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, लू, या तो उथल्लू में कौन सा पर्द है, तो लू पर्द हो जाएगा। 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे 29वां प्रश्न कराए कि हंसोर में कौन सा पर्द है, हंसोर में कौन सा पर्द है, इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए है, यानी कि और, यस, तो हंसोर में कौन सा पर्द है, तो और है जो कि पर्द है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे 30वां प्रश्न कराए कि गगन चुब्बी कौन सा समास है, गगन चुब्बी कौन सा समास है, इसका जो करेक्ट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन बी है, तत्पुरुष समास है, इसका जो सेंस ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है।
तो दोस्तों आपको बता दें, इस क्लास में क्लास ट्वेल्थ हिंदी 100 मार्क्स के कुल यहाँ पे 30 प्रश्न थे। तो पहले से आपको कितने प्रश्न याद थे सही से नीचे कमेंट करें, वीडियो आपको कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट करें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, क्योंकि काफी मेहनत करने के बाद वीडियो बना है, तो एक लाइक अवश्य कर दे, इस वीडियो को शेयर कर दे और चैनल पे ना हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। सो स्टूडेंट आप लोग ये जरूर कमेंट करें कि आपको कौन से सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए, ताकि उसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो मिल सके। तो चलिए दोस्तों फिर मैं किसी और वीडियो के साथ, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।